नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम मुल्ताई। पवित्र नगरी में सोमवार को गौ क्रांति दल के सदस्यों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राजपत्र अनुसार मुल्ताई में पवित्र नगरी के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर SDM हरसिमरनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि माँ ताप्ती की नगरी को पवित्र नगरी घोषित हुए 11 वर्ष हो गए, लेकिन पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी राजपत्र अनुसार नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पवित्र नगरी के अंदर ही शराब की दुकानें संचालित हैं, वहीं मांस भी बिक रहा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 11 वर्षों से पवित्र नगरी घोषित होने के बाद भी पूर्णतः नियमों का लागू नहीं किया गया, जिससे नगर की जनता आहत है। गौ क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि तत्काल राजपत्र के आधार पर नियमों को लागू कराया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से गणेश साहू, दिनेश कालभोर, योगेश दियावार, प्रीतम सिंह सिसोदिया, मनीष शर्मा, सचिन विश्वकर्मा, गौरव पाटड़कर, अरुण साहू, राजू चोपड़े सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज गो क्रांति दल की ओर से पवित्र नगरी के विषय में जो ज्ञापन दिया गया, इस विषय में बताइए। जी, मैं गौ क्रांति दल से दिनेश काल्वो। माँ ताप्ती की पवित्र नगरी को पवित्र नगरी घोषित हुए तकरीबन 10 से 11 साल बीत चुके हैं, जिसमें कुछ 16 बिंदुओं के नियम लागू किए गए थे। यह उनके नियम हैं राजपत्र द्वारा, लेकिन आज तक के किसी भी प्रकार के नियम मुल्ताई नगरी में लागू नहीं हुए हैं। और आज हम लोगों ने अनुभागीय अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया ज्ञापन के द्वारा। इससे पहले भी कई बार करा चुके हैं, और यदि अभी भी कानून आगे लागू नहीं होते हैं तो हम आगे चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को वृहद रूप देंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि पवित्र नगरी में आने वाले जितने भी वार्ड हैं उसमें अंडा मांस मसल मछली का सेवन ना हो, उनकी बिक्री पे रोक लगे और नगर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहे। शराब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शराब गली गली में हर वार्डों में खोली दुकानें चल रही है, जिन पे प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की रोक नहीं लग रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनके ऊपर रोक लगे और पवित्र नगरी में आने वाला जो जितना भी दायरा है वह पवित्र ही रहे। देखने में आया कि मुल्ताई में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हम प्रशासन को इससे अवगत भी करा चुके हैं, कई बार बैठकों में ये बातें उठ चुकी है और बैठकों में कई बार विवादित स्थिति भी बनती है प्रशासन के सामने, पर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देना चाहता है यह हमें नहीं मालूम। हम आगे आंदोलन जरूर करेंगे। या तो पवित्र नगरी जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि उनने बहुत दिल से माँ ताप्ती की नगरी को जो है पवित्र नगरी घोषित किया था मुल्ताई को, हम उनसे निवेदन करते हैं कि अगर माँ ताप्ती जी को जो नगरी है उसको पवित्र नगरी किया है तो उसको तत्काल में उसके जितने भी नियम कानून है, जिसमें अंडा मांस मछली दारू ये जितने भी जो है वो नियम फॉलो करे, अन्यथा उसको हटा लिया जाए, जिससे कि जो भी गतिविधि गंदी चल रही है शहर में वो असामाजिक वाली वो चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उनने पवित्र नगरी घोषित की है तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय हमारे शिवराज जी चौहान जी से कि वो इस ओर ध्यान दें और माँ ताप्ती जी की नगरी जो है प्रशासन को अवगत कराए और तत्काल तरीके से उस पर लागू करें, कार्रवाई करें। धन्यवाद। हम जय माँ ताप्ती, हम यही चाहेंगे। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.